हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार से आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात और मेंशन करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ सैमसंग गैलेक्सी M21। तो फ्रेंड्स मैं यूज़ कर रही हूँ सैमसंग गैलेक्सी M21। तो फ्रेंड्स, मैं इसी में आपको लगा के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने और भी वीडियो बना रखा है जिसमें आप लोगों को कमेंट्स आया था कि ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको डायल पैड पे जाना है। तो फ्रेंड्स, इसके आपको 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग पे क्लिक करना है आपको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग लिखा है, इस पर क्लिक करना है आपको। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके बाद आपको रिकॉर्डिंग पे जाना है। ये बंद है फ्रेंड्स, इसको ऑन करने के बाद आपको कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको इस पर ऑटो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है फ्रेंड्स आपको। तो आप देख सकते हैं ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, ऑल रिकॉर्डिंग पे ये है कि आप मान लीजिए आपने जो नंबर सेव किया या नहीं भी किया वो सभी को रिकॉर्डिंग करेगा। फ्रेंड्स, अब सेव नहीं है उसको भी रिकॉर्डिंग करे तो फ्रेंड्स ये उसी नंबर को रिकॉर्डिंग करेगा। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसी नंबर को आपने सिलेक्ट किया है, उसी नंबर पर रिकॉर्ड है तो वही नंबर रिकॉर्ड करेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मुझे ऑल नंबर रिकॉर्ड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको कॉल रिकॉर्डिंग पे जाना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको ऑडियो पे जाना है। यहाँ से आप कॉल रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अगर मेरा वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेट ऑफ पीछा, तब तक के लिए नमस्कार।